अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। ओंकार संपूर्ण जगत के प्राणियों की भक्ति भावना, सद्भावना और लोक कल्याणकारी भावना का मूल आधार हूं मैं। सुधर्मा के पुत्र शिवधन को प्राणदान देने के पश्चात शिव ब्रह्मदेव को प्रेरित कर नक्षत्र लोक में सप्तर्षियों के पास भेजते हैं ताकि सप्तर्षि शिव के पास आकर पार्वती का तप सफल कर उसकी मनोकामना पूर्ण करें, जिससे शिव पुत्र की उत्पत्ति हो और देवगण तारकासुर के भय से मुक्त हो सके। उधर तारकासुर के राक्षस स्वर्गलोक की अप्सराओं और देवगण को बंदी बनाकर उसके पास लाते हैं तो क्रुद्ध तारकासुर उनका वध करना चाहता है, पर ब्रह्मदेव वहां आकर उसे प्रताड़ित करते हुए स्वर्ग त्यागने का आदेश देते हैं। तारकासुर ब्रह्मदेव व देवगण पर आक्रमण करता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। सप्तर्षि जब कैलाश पर आते हैं तो शिव उन्हें पार्वती के पास जाकर उसे तप और हठ त्यागने के कार्य को पूर्ण करने के लिए कहते हैं। शिव का आदेश पाकर अरुंधति सहित सप्तर्षि जागो पार्वती जागो। श्री पार्वती, मेरे अरुंधति और सप्तर्षिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मेरी तपस्या में बाधा डालने का कारण क्या आप नहीं जानते कि तप में बाधा डालने से अब तक किया गया तप निरर्थक हो जाता है। मेरी तपस्या में बाधा डालकर उसे निरर्थक करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम सब तुम्हारे हित में तुमसे कुछ कहने आए हैं, हमारी बात सुनकर तुम्हारा हित ही होगा। अपना हित अहित मैं भली भांति जानती हूँ। आप तनिक कृपा कर यहाँ से जाएं और मुझे तप करने दें। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, किंतु तुम्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि जिस शमशान वासी और भगवद्धारी को तुम प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही हो वो तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इससे आपको क्या कष्ट होगा? कष्ट हमें नहीं, कष्ट तुम्हें ही होगा, जिसके गले में, बाहों में, अगल बगल में सर्पों का वास हो, वहाँ तुम्हें कष्ट नहीं तो क्या सुख प्राप्त होगा? जिसे गले, बाहों और अगल बगल में सर्प होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने में मुझे कष्ट क्यों होगा? अवश्य होगा। शिव तो भांग धतूरा पीकर सर्प के विष को झेल लेते हैं, क्या तुम भी ऐसा कर सकोगी? तनिक विचार करो, कहां तुम कोमल तन और मन वाली राजकुमारी राजमहल के राजसी ठाट बाट में पली हुई और कहां वो भूतनाथ अशुभ वेशधारी अघोरी। अब शिव निंदा नहीं सुन पाऊंगी, आप सभी यहां से चले जाइए अन्यथा मैं चली जाऊंगी। उगे तक करूंगी।
पार्वती। विधाता को लज्जित होना पड़ेगा। धैर्य रखो प्रिय, हमारी पुत्री पार्वती का निश्चय दृढ़ है और दृढ़ निश्चय वालों की सफलता निश्चय ही होती है। मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं पर मेरा मन नहीं मानता। मैं मां हूं ना, अब मां के मन की क्या जाने। मेरी बच्ची मुरझाने लगी है, मैं अपनी फूल से बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। मैं तुरंत वहां जाती हूं और उसे वापस ले आती हूं। नहीं रानी, तुम्हें शपथ है एक पग भी आगे नहीं। पार्वती की शिव आराधना में बाधा डालने का पाप नहीं करना मैंने, पाप नहीं करना। आप रो क्यों रही है मां? पुत्री के वियोग में मां का मन है ना, ऐसा होता है, परंतता सब मंगलमय ही होगा। समाप्त हो चुका है, अब तेरा हित इसी में है तारकासुर,
के तू स्वर्ग क्या तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहां से जाओ, ये स्वर्ग लोग छोड़ दो। मैं भी जाता हूं, तुम भी जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। के कठोर तप से उत्पन्न तेज के प्रभाव से असुराधिपति तारकासुर को अपने राक्षसों सहित स्वर्ग से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के दिव्य प्रभाव से स्वर्गलोक में दिव्य शांति व अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पर देवराज और देवगण इस सुखद घटना से अभी तक अनभिज्ञ थे। मेरे विचार से यह स्थान पूर्णतया सुरक्षित है, यहां पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहां दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर। हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है। है तो, पर देवराज हमने स्वयं अप्नी आंखों से देखा है कि सप्तऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है, विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात? अर्थात क्या वरुण देव, द्विविधा की स्थिति है ये, द्विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिव पुत्र कहां से होगा, और यदि शिव पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता, कारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। भावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं, पार्वती के उस कृतप की ओर जान क्यों नहीं दे रहे हैं वो। हम भी यही सोच रहे हैं, तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है, क्या भविष्य है हमारा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि आप यहाँ। देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुतैर से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत और भयभीत होता है चिंतित, और आप भी चिंतित हैं देवराज। देवशी, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए
तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्य देव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहाँ चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे? हिम कन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है देवर्षि। इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र अति शीघ्र वहाँ पहुँचिए नारायण नारायण। चतुर्हार ब्रह्मा जी की जय।